तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पल्लव ब्लॉग्स के इस नए वीडियो पे। और बिना भूमिका बनाए जो है आज हम लोग बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। और टाटा पंच जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लक्की ब्रो का जो है टाटा पंच है ये, तो आज जो है बात हम लोग इसी की करेंगे। और बेसिकली आज गाड़ी के ऊपर बात होगी और बताएंगे कि दो सेगमेंट का गाड़ी, सबसे पहले बताएंगे इसके बारे में, इसका जो प्राइस है क्या, कौन सा मॉडल है, तो उनसे पूछ के बताऊंगा। और बाकी एक ओवरव्यू जो है मैं दे दूं, वाइट कलर का जो है ये है, जहाँ से मैंने जो है परचेज़ किया था वहीं से जो है लक्की ब्रो ने जो है परचेज़ किया है। तो ए टू जेड शुरू करते हैं और चलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो है टाटा पंच के ऊपर जो है ये वीडियो रहेगा दोस्तों। पहले शुरू करते हैं हम लोग इसके जो है टायर सेगमेंट से। टायर सेगमेंट देख सकते हैं जैसे कि 185/70 R15 इंच का जो है ये टायर है। और ये जो है इसका एलॉय नहीं है, ये जो है आता है स्टील रिम के साथ, लेकिन इसका जो ये कवर है वो लग रहा है पूरे तरीके से कि जो है ये एलॉय के शेप का जो है वो लग रहा है। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर जो है ये आता है जो कि अभी जब एल्ट्रॉस से जो है कंपेयर करेंगे तो दिखाएंगे आपको कि उसमें और इसमें जो है क्या डिफरेंस है। सामने का लुक जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो हेडलाइट से सबसे पहले मैं बात करता हूं। हेडलाइट में देख सकते हैं कि इसमें ना कोई DRL हैलोजन जो है बल्ब आता है और नीचे फॉग लैंप भी जो है एकदम जो कैटेगरी है नॉर्मल कैटेगरी का। यहाँ पर ट्राई एरो के साथ जो है सामने का जो है लुक दिया गया है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हनीकॉम्ब, टाटा इसको बोलती है हनीकॉम के तरह। और ये पूरे तरीके से ये गाड़ी जो है एल्ट्रॉज के थोड़ा सा ऊपर वाले सेगमेंट में आती है, क्योंकि सेगमेंट जो है एक ही है, प्लेटफॉर्म एक है, इंजन एक है, लेकिन इसका जो है ये बेनिफिट है कि थोड़ा सा जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस एल्ट्रॉज से जो है वो ज़्यादा है। तो और बैक का जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैक यहाँ पर टाटा का लोगो, पंच का लोगो, फिर उसके बाद नंबर, और ये जो साइड इंडिकेटर है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे बनाया गया है। बाकी टाटा का अपना लोकल फॉर वोकल, जो कि अब तमाम इंडियंस कंपनियाँ जो हैं अब इसको जो है प्रचार करने के जो है तौर पे यूज़ कर रही हैं। और ऊपर एंटीना भी जो है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के अंदर जो है क्या क्या है, और अपने तरह से सेट करूँगा, फिर पीछे बैठूँगा, कम्फर्टेबल बताऊँगा, फिर इसको राइड करूँगा, फिर जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका जो है ड्राइव क्वालिटी जो है वो कैसा है। तो की दोस्तों यही है, मैं दिखा रहा हूं आपको जैसे कि एल्ट्रॉज का की आता है सेम टू सेम वैसे ही है। और जैसे ही जो है ओपन करेंगे आपको जो है वो दिख जाएगा। और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बाकी सब चीज़ें भी जो है सेम टू सेम जो है वैसे ही दिखेंगी आपको। लेकिन ये डैशबोर्ड ये देख सकते हैं, इसमें जो है काफ़ी डिफरेंस जो है आपको दिखाई देगा। एल्ट्रॉज का लगता है थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा लो ग्रेड लो क्वालिटी का जो है लग रहा है। ये देखिए इसका भी चौड़ाई वड़ाई जो है आपको मैं दिखाऊं, तो यही सीन जो है वो हो रहा है। बाकी आपको इसमें जो है ये एडजस्ट करने के लिए जो है वो दिया गया है, चारों पावर विंडो है। ये फोल्डेबल नहीं है, ये फोल्डेबल नहीं है दोस्तों। बाकी एसी जो है ऑटोमेटिक एसी है आपको जैसा कि देख सकते हैं, 5 गियर वाला ये है गाड़ी। बाकी ऐसा कुछ खास जो है ये IRVM में जो है आपको दिखा दूं, ऑटोमेटिक नहीं है, यही है, ये सीन देखिए। और ये यहाँ पे जो है वैनिटी मिरर भी जो है वो दिया गया है। और पीछे सबसे पहले जो है मैं सेट कर लेता हूँ इसको अपने उस पर, उसके बाद जो है पीछे जाकर दिखाता हूँ कि स्पेस जो है वो दोस्तों कितना बच रहा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर भी जो है आपको ये सब कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप करने के लिए जो है आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो यही सीन है पूरे तरीके से। अब इंजन भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे डेड पैडल भी जो है वो दिया गया है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब न्यू सेगमेंट जो सुन रहा हूँ उसमें जो है डेड पैडल ये लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेड पैडल जो है वो दिया गया है। तो यही सीन है। अभी गाड़ी को जो है बोनट खोलते हैं और उसका इंजन भी जो है मैं आपको दिखाता हूं और पीछे बैठ के दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं बैठा हुआ हूं सीट पे और कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी जो मैं बैठता हूं और पीछे चल के देखते हैं कि कितना जो है हेडरूम और लेग स्पेस जो है वो मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ का हेडरूम मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए हेडरूम जो है काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हेडरूम में।
और ये सॉकेट दिखाना मैं भूल गया था, 12 वोल्ट का सॉकेट एक यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, लेकिन किसी तरीके का सॉकेट जो है वो नहीं दिया गया है। बॉटल होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे भी जो है बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर भी है, सामने भी बॉटल होल्डर है, तो यही सीन है। बाकी चलते हैं पीछे, आपको दिखाते हैं पीछे का स्पेस कितना है। ये आपको लेग रूम जो है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, हेडरूम भी जो है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पीछे बैठने के लिए जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये सीन ये देख सकते हैं, ये भी जो है काफ़ी अच्छा है कि इसमें जो है बम्प नहीं है किसी भी तरीके का। अब चलते हैं, खोलते हैं आगे का जो आपका इंजन दिखाने का काम जो है मैं करता हूँ, तो सबसे पहले इंजन खोल लेता हूँ, फिर जो है आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों इंजन जो है सेम अल्ट्रॉज की तरह है, 1200 सीसी का जो है इंजन है, पेट्रोल, टाटा के पास ज़्यादा पेट्रोल इंजन नहीं है, तो जो एक ही इंजन है उससे ही जो है वो काम चलाने की कोशिश जो है टाटा करती है, और सेगमेंट भी जो है एक है, इस वजह से जो इंजन है वो भी जो है वो सेम है, तो किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। आपका कूलेंट, बाकी सब चीज़ें पानी भरने के लिए, बैटरी जो है सब वही है। तो अब चलाते हैं इस गाड़ी को और देखते हैं इसकी ड्राइव क्वालिटी की जो है वो बात करते हैं, और आपको बताते हैं कि इसका ड्राइव क्वालिटी जो है अल्ट्रॉज से कैसा है, और जो ऑनर है उनसे भी पूछेंगे कि आपको अल्ट्रॉज और पंच में जो है अगर अभी मौका मिले तो कौन सी गाड़ी लेना जो है पसंद करेंगे दोस्तों। तो चलिए आपको जो है एक जेन्यून रिव्यू जो है हम लोग देंगे, और विदाउट एनी डिले चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और आपको जो है दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग चल रहे हैं राइड करने, और हमारे साथ जो है इनके ऑनर भी जो है अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उधर से बोलेंगे उधर से बैठिए, और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका जो है ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। तो बैठते ही जो है एक आप बैठ रहे हैं इसमें तो कुछ अल्ट्रॉज में, और इसमें फील आ रहा होगा, अब क्या फील है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सेट कर लेते हैं, एसी चला देते हैं, और एसी चलाने के बाद इंजन विंजन तो सब सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंजन सेम है, चलाने में भी जो है अभी चलते हैं देखते हैं आगे, और सीट बेल्ट जो है लगाना कंपलसरी है, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, तो सीट बेल्ट लगा लिया है दोस्तों। बाकी इसमें एक जो है हमको ये खासियत दिख रही है कि मुझे पूरा बोनट जो है वो दिख रहा है पंच में, और थोड़ा सा अल्ट्रॉज से जो है ऊँची जो है ये गाड़ी लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गाड़ी ऊँची है अल्ट्रॉज से, चलाने में भी जो है ठीक है, लेकिन ऊंचे होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बम्पी फील होगा जब गाड़ी चलेगी, जैसे भी गाड़ी जितनी भी ऊंची रहती है वो थोड़ा सा ऐसे 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 जो है वो करती है हाईवे पे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, और अल्ट्रॉज और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इंजन का सेम जो है वो भी सेम है, ये भी इंजन सेम ही है, तो चलाने में कुछ वैसा खास डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, बस ये लग रहा है कि थोड़ा सा उससे जो है ऊंची गाड़ी जो है वो मैं चला रहा हूँ, तो यही सीन अभी तक दिख रहा है मुझे, बाकी और कुछ ज़्यादा खास सीन तो नहीं है, साउंड वाउंड सिस्टम सब वही है, और अभी अल्ट्रॉज से एक अलग कंपैरिजन भी जो है इस वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा बॉक्सी टाइप लग रहा है, और लग रहा है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, अल्ट्रॉज में देखेंगे तो काफ़ी आगे तक जो है वो हाथ चला जाता है, और एक अलग ही डायनेमिक्स जो है अल्ट्रॉज देती है, तो अभी इनके ओनर से पूछेंगे वहाँ पे चल के कि ये जो है अभी अगर लेना चाहें और कितना जो है डाउन पेमेंट पड़ा, क्या पड़ा, कितने का जो है रेट कोट किया गया। जहाँ से मैंने नीति राज मोटर से गाड़ी ली थी, इन्होंने भी जो है वहीं से गाड़ी लिया था, तो चलाने में दोस्तों कोई कमी नहीं है, और एवरेज मैं दिखाऊँ उसका एवरेज जो है वही है, सीन है जो अल्ट्रॉज का एवरेज मिलता है वही सेम एवरेज इसका भी है, क्योंकि टाटा की क्वालिटी जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, लोहा जो है मजबूत यूज़ करते हैं, इस वजह से ये लोग जो है काफ़ी एवरेज थोड़ा सा कम देते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है टाटा का, और ये बात हम मानते भी हैं इन कंपैरिजन टू मारुति और अदर हुंडई, लेकिन उससे अलग अगर देखेंगे अगर इसका बिल्ड क्वालिटी, तो इसकी कोई जो है वो जोड़ नहीं है दोस्तों। तो अभी ओनर को देते हैं, लक्की ब्रो को पूछते हैं कि अभी जो है एट द टाइम अगर इनको जो है कितना डाउन पेमेंट लगा है, क्या लगा है, ये बाहर निकल कर जो है मैं आपसे पूछता हूँ। तो दोस्तों अभी फाइनली हमारे साथ ओनर जो है वो जुड़ चुके हैं इस गाड़ी के, जो कि पंच, तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि मॉडल जो है वो कौन सा है, मॉडल कौन, इसमें चार मॉडल आता है,
एक प्योर आता है, एडवेंचर आता है, क्रिएटिव आता है, एक और आता है, तो ये एडवेंचर मॉडल है। सेम मॉडल जो एल्ट्रोज है आपका, सेम मॉडल ये उसका। तो यानी कि एडवेंचर मॉडल है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका प्राइस जो है आपको कितना पड़ा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब 880-890 करीब पड़ा था। 890 यानी 890,000, उसमें पूरा पावर विंडो, चारों पावर विंडो, और जो है ये देख ही रहे हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर बात होगी कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी तक आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं गाड़ी से? एकदम 100%। अगर इसका एवरेज छोड़ दिया जाए, हाँ, इसके अलावा इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है जो किसी को आए। टाटा में एक एवरेज का ही कमी होता है दोस्तों, और एवरेज अगर टाटा, ये सब चीज़ बहुत फार बेटर इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यही सीन है कि अगर एवरेज अपना टाटा सही कर दे और थोड़ा सा इंजन पे काम करे, तो इसके जैसी गाड़ी जो है कोई बना नहीं सकता है। और डीजल इंजन में मैं बात करूं कि ऐसी कोई गाड़ी बना भी नहीं पा रहा है, जैसे कि हैरियर हो गया, सफारी हो गया, और भी तमाम तरीके की जितनी भी डीजल वाली गाड़ियाँ आती है, काफ़ी बेहतरीन जो है वो होती हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।